जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। आज हम करेंगे चेस्ट वर्कआउट। तो हमने वार्म अप कर चुके हैं, पहले ही 10 से 15 मिनट वार्म अप किया था अपने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फ्लैट बेंच प्रेस से, पहली एक्सरसाइज थी हमारी। और ये इसके काफ़ी सेट लगाए मैंने, करीबन 7-8 सेट लगाए, क्योंकि मेरे एक शोल्डर में थोड़ा सा पेन रहता है। तो लाइट वेट से धीरे 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 करके मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और इस तरीके से मैंने अपने चेस्ट को फटीक किया फ्लैट बेंच पर। मेरा लेफ्ट शोल्डर स्टेबल ना होने की वजह से मैं ज़्यादा हैवी पुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा था शोल्डर पे और मेरे शोल्डर एक लूज़ हो जा रहा था, स्टेबल नहीं रह पा रहा था। तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी नहीं पुश कर पाया इस बार चेस्ट में, और थोड़ा सा पेन भी था शोल्डर में, तो हल्का वेट ही किया और रेपिटेशन हाई रखे, वॉल्यूम बढ़ाया। ये हमारा लास्ट सेट था और इसमें हमने किया फेलियर रैप 35 kg से। 10 सेकेंड एक्सरसाइज पर आते हैं हम। सेकेंड एक्सरसाइज हमने किया इंक्लाइन बारबेल प्रेस, जिसमें हमने 10 kg से स्टार्ट किया है। देन सेकेंड एक्सरसाइज ली हमने इंक्लाइन बारबेल प्रेस, इसके भी हमने 4 सेट किए और चौथा सेट में हमने थोड़ा सा सपोर्ट लेकर एक्स्ट्रा पुश किया 2 रैप, तब जाके कुछ फटीक हुआ हमारा चेस्ट। देन फिर हम तीसरी एक्सरसाइज पे आ गए, जिसमें हमने किया पैक डेक फ्लाई। हमारे जिम की पैक डेक फ्लाई थोड़ी सी मशीन ठीक नहीं लगती मुझे, ऐसा लगता है कि एक शोल्डर आगे पीछे भाग रहा होता है मेरा, स्टेबल नहीं होता, एक हाथ ज़्यादा आगे जा रहा होता है, एक पीछे जा रहा होता है। तो इस वजह से मैं कम करता हूँ पैक डेक फ्लाई, किकिंग कभी कभी कर लेता हूँ। उसके बाद हमने किया पोजिंग, कुछ देर पोजिंग करने के बाद हमने की केबल क्रॉसओवर। लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारी। केबल क्रॉसओवर में हमने लिया 30 रैप्स, 10 रैप्स डाउन, 10 रैप्स मिड में और 10 रैप्स ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेस्ट की एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने फिर शोल्डर का भी वर्कआउट किया था, शोल्डर मसल भी लिया था, क्योंकि मैं 2 मसल एक साथ लेता हूँ, तो चेस्ट शोल्डर करना था मेरे को। तो मैंने सिर्फ चेस्ट की वीडियो बनाई है, शोल्डर की भी वीडियो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हमारी शोल्डर की होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर।